सब्सक्राइब कीजिए कारवर्सल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सिग्मा आप सबका स्वागत करता हूँ कारवर्सल के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे फोर व्हील ड्राइव वर्सेस ऑल व्हील ड्राइव वर्सेस फोर बाय फोर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल एक काफी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि जो कार मेकर है फोर व्हील ड्राइव को, ऑल व्हील ड्राइव को, फोर बाय फोर को, फ्रंट व्हील ड्राइव को, रेयर व्हील ड्राइव को, सबको ऑफ रोडिंग के नाम पे बेच रही है, सिर्फ दो चार ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स को देखे। तो इसलिए मैं गुरुजी हर्ष बब्बर आज आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिफरेंस फोर व्हील ड्राइव के बीच में, ऑल व्हील ड्राइव के बीच में, फोर बाय फोर के बीच में, फ्रंट व्हील ड्राइव के बीच में और रेयर व्हील ड्राइव के बीच में। और आपको फिर बताना है कि कौन सी गाड़ी सच्ची में एक ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है और कौन सी सिर्फ गिमिक है। और इससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, हमारे 635,000 सब्सक्राइबर हो गए, 6,90,000 का एम है, 55,000 सब्सक्राइबर रहते हैं। तो जाके भाइयों सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। तो पहले दोस्तों, जो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ ड्राइव ट्रेन है जो कि गाड़ियों में आजकल आ रही है, उसका नाम है फ्रंट व्हील ड्राइव, जो कि आप कह सकते हैं कि एकदम चोमू फॉर्म ऑफ ड्राइव ट्रेन है, जो कि आजकल की 99% गाड़ियों में आपको मिलती है। जिसमें दोस्तों आपको पता ही होगा क्या होता है कि जो आपकी गाड़ी है उसके सामने आपको एक इंजन मिलता है ऑब्वियसली, और वो जो इंजन है आपकी गाड़ी के फ्रंट व्हील्स को पार करता है और जो उसके पीछे वाले व्हील्स है उसमें कोई पावर जाती नहीं है। तो इसलिए जो गाड़ी के सामने वाली व्हील्स है उस पर आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोड है, क्योंकि वही वाली व्हील्स हैं जो कि गाड़ी को पुल कर रहे हैं और वही वाली व्हील्स हैं जो कि गाड़ी को स्टीयर कर रही है। तो इसलिए भाई वो वाले जो व्हील्स हैं उनमें बहुत ही प्रेशर है, जितना प्रेशर एक नीड के बच्चे में नहीं होता उससे ज्यादा प्रेशर आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी के सामने वाले दो पहिए में है। नहीं यार, मेरे ख्याल से नीड वाले बच्चे पे ज्यादा होता है भाई, वैसे मेरे ख्याल से तो जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी होती है जो उनका मैकेनिज्म है काफी सिंपल होता है, जिसमें आपको दो मेजर पार्ट्स मिलते हैं जो कि उसका इंजन है और उसका ट्रांसएक्सल है। जो गाड़ी का इंजन है वो पावर को प्रोड्यूस करता है और वो जो उसकी पावर है फिर जाती है ट्रांसएक्सल में। और ये जो ट्रांसएक्सल है काफी एक ऐसे इनोवेटिव सा पार्ट है, क्योंकि एक सिंगल पार्ट में आपको तीन डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शनैलिटी मिलती है। एक तो आपको क्लच मिलता है इसमें, इसी वाले ट्रांसएक्सल में आपको गियरबॉक्स मिलता है और इसी वाले ट्रांसएक्सल में आपको डिफरेंशियल मिलता है। तो इसलिए बढ़िया तीन तीन डिफरेंट पार्ट्स का जो लोड है सिंगल पार्ट ने ले रखा है। और ये जो ट्रांसएक्सल होता है इसी के अंदर जो गाड़ी का फ्रंट वाला एक्सल है वो भी माउंटेड होता है। तो जब जो इंजन है वो पावर को प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्टली जाती है ट्रांसएक्सल में, जो कि इंजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और उसी वाले पार्ट में ट्रांसएक्सल में जो गाड़ी का फ्रंट वाला एक्सल है वो कनेक्टेड होता है, जिससे जो गाड़ी के सामने वाले पहिए मूव करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली कार्स होती है जिनका मैकेनिज्म है उसमें दो तीन काफी फायदे होते हैं, जिसमें पहला फायदा ये है कि जो ट्रांसएक्सल है क्योंकि वो इंजन से डायरेक्टली माउंटेड है और वो फिर जो पावर है डायरेक्टली एक्सल में भेज रहे हैं, तो इसलिए कोई भी ऑलमोस्ट पावर का लॉस होता नहीं है और बहुत ही छोटी सी जगह में जो गाड़ी की पावर है वो प्रोड्यूस होके जो उसके पहिए वहां तक पहुंच जाती है और इसलिए जो पावर लॉस है वो भी काफी कम होता है। साथ ही में इन वाली कार्स में आपको थोड़ी बड़ी अट्रैक्शन मिलती है, क्योंकि जो इंजन है गाड़ी का सबसे भारी पार्ट होता है और वो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी में जो गाड़ी का फ्रंट वाला एक्सल है जिसमें सारी पावर जाती है उसके एकदम ऊपर ही होता है। तो इसलिए जो गाड़ी के सामने वाले पहिए है उनमें मैक्सिमम भार होता है, तो इसलिए जो गाड़ी में ट्रैक्शन है थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम जो उस गाड़ी का मास है सामने वाले पहियों में है जिसमें गाड़ी की पावर जा रही है। और दोस्तों, क्योंकि ये जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाला मैकेनिज्म है काफी छोटी जगह में फिट हो जाता है, तो इसलिए जो गाड़ी की बाकी की बॉडी है उसमें काफी स्पेस बच जाती है, तो इसलिए जो गाड़ी है थोड़ी स्पेशियस भी बन जाती है, साथ ही में उसमें पावर वगैरह सही आती है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है वो काफी अच्छी होती है, उनमें बहुत ही सारी कमियां भी है, तभी इस वाली ड्राइव ट्रेन को सबसे लो लेवल वाली ड्राइव ट्रेन माना जाता है। जिसमें पहली कमी है कि क्योंकि इस वाली ड्राइव ट्रेन में जो सामने वाली गाड़ी के पहिए वो गाड़ी को चला भी रहे हैं, मतलब पुल भी कर रहे हैं, साथ ही में गाड़ी को स्टीयर भी कर रहे हैं, तो इसलिए जो ये वाली कार्स होती है उनमें अंडर स्टीयरिंग की काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसमें जो गाड़ी है वो थोड़ा कम टर्न होती है एज कम्पेयर टू जितना आप चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसलिए अगर आप देखें जो सारी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियां होती है उनमें आपको जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली ड्राइव ट्रेन है बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि इनमें आपको एफिशिएंसी बढ़िया मिलती है, आपको जो वजन है वो थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाकी जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, जो उसकी हैंडलिंग होती है, सबसे बकवास होती है अगर आप कंपेयर करें किसी भी और ड्राइव ट्रेन से। और दोस्तों, ये जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली पावर ट्रेन है इसके तो दो बढ़िया एग्जांपल भाई मेरे पास ही है, एक ह्यूंडई क्रेटा और एक एक्सयूवी 700, और ये दोनों एसयूवी सिर्फ सिटी के लिए बनी है, जिनमें आपको सही फीचर मिलते हैं और आपको थोड़ी बढ़िया लग्जरी मिलती है। तो इसलिए जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी होती है उनमें आप ना तो बढ़िया कुछ परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना, ना बढ़िया ऑफ रोडिंग एक्सपेक्ट करना, पर आपको जो एफिशिएंसी है वो बढ़िया मिलती है, साथ ही में आपको जो वेयर एंड टियर है वो भी थोड़ा कम मिलता है क्योंकि थोड़े कम पार्ट है। फिर दोस्तों, उसके बाद आती है थोड़ी और बढ़िया वाली पावर ट्रेन, और मेरी फेवरेट भी है, जिसका नाम है रेयर व्हील ड्राइव वाली पावर ट्रेन, जिसमें क्या होता है कि जो गाड़ी की पावर है उसके पीछे वाले पहियों में जाती है, मतलब जो पीछे वाले पहिए गाड़ी को पुश कर रहे हैं और जो सामने वाले पहिए गाड़ी को स्टीयर कर रहे हैं, मतलब दोनों जो एक्सल्स है उनमें काम बटा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि एक सिंगल एक्सल में सारा प्रेशर आ रखा है जैसे नीट के बच्चों में आता है। भाई मैं नीट का बच्चा नहीं हूं, मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं बस। तो दोस्तों, ये जो रेयर व्हील ड्राइव वाली पावर ट्रेन होती है इसमें आपको एक तो इंजन मिलता है, आपको क्लच मिलता है, आपको गियर बॉक्स मिलता है और एक आपको प्रोपेलर मिलता है, जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव वाली पावर ट्रेन में था नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जो इंजन है वो गाड़ी
गाड़ी की पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गाड़ी की पावर है फिर क्लच में जाती है, फिर वो जो पावर है वो क्लच से जाती है गियर बॉक्स में, जिसमें जो गियर बॉक्स है उसकी स्पीड को थोड़ा कम करते हैं और जो उसका टॉर्क है उसे बढ़ा देते हैं, और फिर जो गियर बॉक्स है उससे कनेक्टेड होता है गाड़ी का प्रोपेलर, जो कि एक लंबी सी रॉड होती है जो कि ऐसे गाड़ी की ऑलमोस्ट पूरी लेंथ में रन करती है गाड़ी के नीचे, और वो जो प्रोपेलर होता है फिर जाके कनेक्ट होता है डिफरेंशियल में, जो कि प्रोपेलर को रेयर वाले एक्सल से कनेक्ट करता है, और जो पीछे वाले पहिए वो फिर चलना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो रेयर व्हील ड्राइव वाली पावर ट्रेन होती है इसमें काफी सारे बेनिफिट भी होते हैं, जिसमें पहला बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि जो गाड़ी की पावर है उसके पीछे वाले पहियों में जा रही है और जो गाड़ी की मूवमेंट है एक पुशिंग मैकेनिज्म में काम कर रही है, तो इसलिए जो रेयर व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां होती है इनमें आपको थोड़ी बड़ी एक्सीलरेशन मिलती है एज कम्पेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां। और इसका आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूं, एकदम बढ़िया टीचर हूं भाई मैं, फिजिक्स पढ़ाऊंगा आप सबको जिसमें अगर आप मान लो किसी भी आप एक ऐसे होटल में गए हो जिसमें ऐसे कांच वाला गेट है, अगर वो गेट पुश वाला होता है तो उसे आसान होता है ऐसे आगे पुश करना, जबकि अगर वो पुल वाला है तो ऐसे काफी जोर लगता है ऐसे उसे पुल करना। और इसलिए अगर आप देखें जो रेयर व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां होती है उनमें आपको ज्यादा बढ़िया एक्सीलरेशन मिलती है एज कम्पेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां। और साथ ही में दोस्तों ये जो रेयर व्हील ड्राइव वाली पावर ट्रेन है ये काफी बढ़िया काम करती है अगर आपको कुछ स्टो करना है गाड़ी में, मान लो आपको पीछे कोई ऐसा सामान वामान ढोना है, तो इसलिए उस वाले केस में जो रेयर व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां होती है बहुत ही बढ़िया काम करती है। और इसलिए अगर आप देखें जो ज्यादातर ट्रक होते हैं जो कि सामान ढोने के लिए बने होते हैं वो रेयर व्हील ड्राइव होते हैं, जिनमें आपको पीछे से गोला सा मिलता है उस ट्रक के नीचे जो कि उसका डिफरेंशियल होता है। पर दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि जो रेयर व्हील ड्राइव वाली पावर ट्रेन है उसकी सिर्फ खूबी है, उसके नुकसान नहीं है। उसका पहला नुकसान ही है कि क्योंकि जो रेयर व्हील ड्राइव वाली पावर ट्रेन है उसमें आपको थोड़े ज्यादा पार्ट मिलते हैं एज कम्पेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव वाली पावर ट्रेन, तो इसलिए जो ये वाली पावर ट्रेन होती है इसमें आपको थोड़ा ज्यादा पावर लॉस मिलता है एज कम्पेयर टू जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली पावर ट्रेन होती है। सेकंड, जो ये वाली पावर ट्रेन होती है इसमें आपको थोड़ी कम फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है क्योंकि पहले जो गाड़ी है उसका वेट बढ़ जाता है क्योंकि बहुत ही सारे पार्ट है, और सेकंड अगर सारे पार्ट्स को मूव करना है तो उसमें ज्यादा फ्यूल लगता है, और इसलिए इन वाली कार्स में आपको कम फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। और दोस्तों आजकल के जमाने में जो रेयर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है काफी विलुप्त हो गई है। आजकल अगर मैं आपको बताऊं तो जो बलेरो न्यू है वो एक रेयर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है, जो नई वाली स्कॉर्पियो एन है और जो स्कॉर्पियो क्लासिक है वो दोनों रेयर व्हील ड्राइव है। साथ ही में जो बाकी अगर आप ऑलमोस्ट सारी देखें एसयूवीज तो ऑलमोस्ट फ्रंट व्हील ड्राइव है, अगर आप हैरियर ले सफारी ले सारी फ्रंट व्हील ड्राइव है। फिर दोस्तों जो अल्टीमेट गीगा चार्ज और जो अल्टीमेट मैग्नी लोग होते हैं उनके लिए जो ड्राइव ट्रेन बनी है उसका नाम है फोर व्हील ड्राइव, जो कि अल्टीमेट ऑफरोडिंग वाली ड्राइव ट्रेन होती है जो कि एकदम सॉलिड एसयूवीज में यूज होती है, जिसमें आपको बेस्ट ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी मिलती है, आपको सबसे मोटे टायर मिलते हैं, आपको बेस्ट ऑफरोडिंग सस्पेंशन मिलती है। और जो फोर व्हील ड्राइव वाली पार्ट ट्रेन है आप कह सकते हैं कि जो रेयर व्हील ड्राइव वाली है उसी का एक सब पार्ट है, जो कि आपको एक्सप्लेन करता हूं। जिसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे जो रेयर व्हील ड्राइव वाली पार्ट ट्रेन है उसमें आपको प्रोपेलर मिलता है जो कि जो गाड़ी का गियर बॉक्स है उससे पावर को लेके जो गाड़ी का रेयर वाला एक्सल है उस तक भेजता है। लेकिन दोस्तों वही जो एक फोर व्हील ड्राइव वाली ड्राइव ट्रेन होती है उसमें आपको जो उसका प्रोपेलर है उसके पहले आपको एक और डिवाइस मिलता है जिसका नाम है ट्रांसफर केस, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है, जिसमें क्या होता है कि जो गाड़ी के इंजन की पावर है वो गियर बॉक्स है जो उसका ट्रांसफर केस है उसमें पहुंचती है, और फिर जो ट्रांसफर केस है उसमें डिसाइड होता है कि जो पावर है वो रेयर वाले एक्सल में भेजनी है या फिर फ्रंट वाले एक्सल में या फिर दोनों में भेजनी है, जिसमें जो दोनों एक्सल के प्रोपेलर्स है वो कनेक्टेड होते हैं उस ट्रांसफर केस में। और यही दोस्तों आप कह सकते हैं कि एकदम हार्ट एक फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी का, जिसमें जो ट्रांसफर केस है उसमें डिसाइड होता है कि गाड़ी में कौन से वाले एक्सल में कितनी पावर भेजनी है। और अगर आप थोड़ी गाड़ियों में इंटरेस्टेड है तो आपको दो काम करने चाहिए, एक तो कारवासल को सब्सक्राइब करना चाहिए हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट है, जो कि आपको होगा तभी आप वीडियो को देख रहे हो, तो आपने नोटिस करा होगा कि जो भी एक फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी होती है जो उसका गियर बॉक्स होता है उसके साइड में एक छोटा वाला और ऐसे एक लीवर सा होता है जिसमें 4H, 4L या फिर 2L ऐसा कुछ लिखा होता है, और ये जो 4H, 4L वगैरह होते हैं ये गाड़ी के डिफरेंशियल लॉक होते हैं जिससे आप गाड़ी में बड़ी ऑफ रोडिंग ले सकती है। जिसमें दोस्तों जो फोर व्हील हाई वाला मोड होता है उसमें क्या होता है कि जो गाड़ी है उसके व्हील्स की RPM बढ़ जाती है और जो उसकी ट्रैक्शन है वो थोड़ी कम हो जाती है, और जो ये वाला मोड है जनरली यूज होता है जब गाड़ी को ऐसे स्लिपरी ट्रेन से निकालना है या फिर ऐसे आइस वाइस से निकालना है, जिसमें जो गाड़ी के व्हील्स है उसकी ट्रैक्शन कम इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू गाड़ी के जो टायर है उसका मोमेंटम। और वही दोस्तों जो फोर व्हील लो वाला मोड होता है वो तब इस्तेमाल होता है जब गाड़ी को आपको क्रॉल कराना है किसी ऐसे पत्थरों वत्थरों में जिसमें आपको जो स्पीड है वो तो ज्यादा नहीं चाहिए, जो व्हील्स है उनकी RPM आपको कम चाहिए, लेकिन जो व्हील्स है उनमें आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए ताकि आसानी से जो पत्थर है उनपे चढ़ पाए अपनी हाई ट्रैक्शन से। और जो 2H वगैरह होते हैं वो इसके टू व्हील ड्राइव वाले मोड होते हैं जिसमें जो गाड़ी के दो पहिए सिर्फ वो काम करते हैं, चार पूरे नहीं करते। और दोस्तों जो फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है उनके तो काफी कम ही है वैसे एग्जांपल आजकल, अगर आप फॉर्च्यूनर ले तो वो एक फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है, और अगर आप और ले तो जो एंडेवर है वो भी फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है। पर दोस्तों ऐसा
नहीं है कि जो फोर व्हील ड्राइव है उसकी सिर्फ खूबी है, उसके नुकसान नहीं है। उसके नुकसान बहुत ही सारे हैं। ये जो फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां होती हैं, इनकी जो ऑन रोड परफॉर्मेंस है आपको काफी बेकार मिलती है, जिसमें क्योंकि जो चारों पहिए सेम मोमेंटम पे चलते हैं, तो इसलिए अगर जो गाड़ी है वो टर्न मार रही है और कोई भी ऐसे मतलब शार्प मूवमेंट कर रही है, तो उसमें जो चारों पहिए अगर सेम आरपीएम पे चल रहे हैं तो इसलिए जो गाड़ी है उसके डिसबैलेंस के चांस काफी बढ़ जाते हैं। साथ ही में जो फोर व्हील ड्राइव वाला सिस्टम होता है उसमें आपको बहुत ही सारे पार्ट मिलते हैं मैकेनिकल, जिनका वेट काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए जो एवली गाड़ियां होती है इनमें आपको काफी ज्यादा वेट मिलता है और इसलिए जो फ्यूल एफिशिएंसी है काफी बेकार मिलती है। और थर्ड, जो फोर व्हील ट्रैवल सिस्टम है इसका अगर आप यूज देखें तो 99% केसेस में कभी नहीं होता, सिर्फ कुछ केसेस होते हैं जिसमें इसका यूज होता है। तो इसलिए जो एकदम हार्डकोर ऑफ रोड वाले फैंस होते हैं उन्हीं को ये वाली ड्राइव ट्रेन को सजेस्ट किया जाता है, जिन्हें अपनी गाड़ी को एक्सट्रीम में लेके जाना है। और अगर आपको अपनी गाड़ी को शहर में चलाना है तो ये भाई सिर्फ वेस्ट ऑफ पैसा आपके लिए। और फिर दोस्तों इसके बाद आते हैं ऑल व्हील ड्राइव में, और अगर आप देखें तो ऑल व्हील ड्राइव जो है एक तरह से मिशन है ना सारी डिफरेंट ड्राइव ट्रेन का, जिसमें आपको थोड़ी बहुत एलिमेंट्स मिलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव के, थोड़ी बहुत रेयर व्हील ड्राइव के और थोड़ी बहुत फोर व्हील ड्राइव के। जिसमें दोस्तों जो एक ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी होती है वो जनरली एक नॉर्मल फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी होती है, जिसमें आपको फ्रंट व्हील वाले मैकेनिज्म मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंजन मिलता है और आपको ट्रांस एक्सल मिलता है और आपको सामने के जो एक्सल है उसमें आपको पावर मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आपको इसमें दो डिफरेंट और पार्ट्स मिलते हैं, जो कि एक सेंट्रल डिफरेंशियल है और एक प्रोपेलर है, जिसमें क्या होता है कि जो पावर है पहले फ्रंट व्हील ड्राइव वाले एक्सल में जाती है और उस वाले फ्रंट व्हील ड्राइव वाले एक्सल से जो पावर है वो इसके सेंट्रल डिफरेंशियल में आती है, और फिर जो सेंट्रल डिफरेंशियल है वो डिसाइड करता है कि जो पावर है उसे पीछे वाले पहियों में भेजना है या फिर नहीं भेजना। और जो ये वाली ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम होता है इसमें आपको कोई भी डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलता। जो गाड़ी है उसके अंदर एक कंप्यूटर होता है जो कि अपने आप ही जो टेरेन है और जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है उसको देख के डिसाइड करता रहता है कि जो गाड़ी है उसमें पीछे वाले पहियों में ताकत चाहिए या फिर नहीं चाहिए और कितनी पावर किस वाले एक्सल में चाहिए, और उसके हिसाब से जो डिफरेंशियल है उसे कमांड देता है और फिर जो डिफरेंशियल है वो चेंज करता रहता है कि कौन से वाले एक्सल में आपको कितनी पावर मिल रही है। और दोस्तों ये जो ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम होता है एक तरह से पूरा ईसीयू ड्रिवन होता है, जिसमें जो गाड़ी का कंप्यूटर है अपने आप डिसाइड करता है कि कौन से वाले एक्सल में कितनी पावर चाहिए, और आप ऐसे खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको ज्यादा ट्रैक्शन चाहिए या फिर आपको ज्यादा आरपीएम चाहिए, जैसे आप फोर व्हील ड्राइव में कर सकते हैं। और ये जो ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम है ये अगर आप देखें तो जनरली आजकल की जो सारी एसयूवीज आ रही है जिनमें आपको थोड़ी डिसेंट ऑफ रोडिंग मिलती है उनमें आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सयूवी 700 या फिर जो दूसरी सारी एसयूवीज आ रही है इस वाले सेगमेंट में, इनमें आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है और इसके बेनिफिट बहुत ही सारे हैं, जिसमें पहली चीज ये है कि जो ऑल व्हील ड्राइव वाले पावर ट्रेन है जो उसके पार्ट्स है उनका वेट काफी कम होता है एज कम्पेयर टू एक फोर व्हील ड्राइव वाली ड्राइव ट्रेन। तो इससे क्या होता है कि जो ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी होती है थोड़ी हल्की होती है एज कम्पेयर टू फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां, तो इसलिए जो इनकी एवरेज होती है जो इनकी एफिशिएंसी होती है थोड़ी ज्यादा होती है। फिर दोस्तों इनका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि 99% जो कंज्यूमर जो कि ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं उनका काम जो ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम है वो कर सकता है, जिसमें आपको चारों पहियों में ताकत मिलती है, और अगर किसी वाले पहिए में जो कंप्यूटर है उसे लगता है कि थोड़ी ताकत की और जरूरत है तो उस वाले एक्सल में जो कंप्यूटर है अपने आप थोड़ी और ताकत भेज देगा ताकि आप आसानी से जो ऑफ रोडिंग है वो कर पाए। और थर्ड दोस्तों इसका बेनिफिट ये है कि इससे जो गाड़ी की ट्रैक्शन है वो काफी बढ़ जाती है, तो भले अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं भी करनी अगर आपको परफॉर्मेंस ड्राइविंग करनी है अपनी गाड़ी में तब भी काफी बढ़िया है, क्योंकि चारों पहियों में आपको पावर मिल रही है, चारों पहियों में आपको ट्रैक्शन मिल रही है, तो इसलिए जो गाड़ी है वो ट्रैक्शन आसानी से लूज करती नहीं है और आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। और दोस्तों ऑब्वियसली इसके भी नुकसान है, जिसमें इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जनरली जो लोग ऑल व्हील ड्राइव लेते हैं उन्हें लगता है कि उनके पास फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है, तो इसलिए वो अगर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हैं इन वाली गाड़ियों में तो वो ज्यादातर नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि जो ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम है एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बना, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक वगैरह नहीं मिलते। और बाकी दोस्तों अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जो ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम है आजकल के हिसाब से बेस्ट है अगर आपको थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करनी है, क्योंकि जो फोर व्हील ड्राइव वाला सिस्टम है वो तो एक्सट्रीम हो जाता है, लेकिन जो ऑल व्हील ड्राइव है उसमें आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलता है, जिसमें आपको सही ऑफ रोडिंग भी मिलती है और आपको सही एफिशिएंसी भी मिलती है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये वाला बेस्ट है। और दोस्तों इसके बाद एक सबसे बड़ी क्वेरी आपके दिमाग में होगी कि 4x4 क्या होता है फिर आखिरकार। तो जो 4x4 है एक काफी पुरानी टर्म है जो कि ऐसे किसी गाड़ी के लिए नहीं बनी थी, नॉर्मल किसी भी ड्राइव ट्रेन के लिए बनी है। इसमें अगर आप नोटिस करें तो 4x4 में आपको दो डिफरेंट नंबर मिलते हैं, पहले 4 और बाद में 4, जिसमें जो पहले के 4 होते हैं कि जो गाड़ी है या फिर कोई भी जो व्हीकल है उसमें आपको कितने पहिए मिलते हैं या फिर आपको कितने चक्के मिलते हैं, मतलब आपको 4 मिलते हैं या फिर आपको 6 मिलते हैं। और जो एक्स के बाद वाला नंबर है, एक्स के बाद तो भाई चलो और जो बाद वाला नंबर है वो डिसाइड करता है कि जो गाड़ी की टोटल जितने भी पहिए है उसमें से कितने पहियों में आपको पावर मिल रही है। तो मान लो अगर गाड़ी 4x2 है तो 4 में से आपको 2 पहियों में पावर मिलती है, अगर 4x4 है तो आपको 4 में से 4 पहियों में पावर मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि जो 4x4 है एक अलग से ड्राइव ट्रेन है या फिर पावर ट्रेन है, जो फोर व्हील ड्राइव है उसी को थोड़ा सेक्सी बनाने के लिए जो कंपनीज है उसे 4x4 के नाम से बेचती है, और जो लोग हैं उन्हें लगता है भाई बहुत ही कोई अलग सी है तो ड्राइव ट्रेन है जो कि किसके पास है नहीं। पर दोस्तों मैं तो यही सोच रहा था कि जो ऑल व्हील ड्राइव है उसमें भी चारों पहिए चलते हैं तो उसे भी तो 4x4 बोल सकते हैं। पता नहीं भाई क्या ही हो रहा है, किसने ये सारी जो टर्म्स है उन्हें बनाया है।
और बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना,